तो इसके अंदर जैसे ही पानी डालते हैं तो आप लोग देखोगे ये पूरा के पूरा मिल्क बन गया है, और आप लोग देखोगे बिल्कुल दूध की तरह ही है, और ऐसे हल्के हल्के झाग बन रहे हैं जैसे बिना पानी वाले दूध में बनते हैं। लेकर देखते हैं तो आप लोग देखोगे मेरे हाथों में वही दूध है। मीडिया पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम देखने के बाद विश्वास करने लगते हैं, और असल में वो असलियत नहीं होती, क्योंकि सोशल मीडिया पर व्यू के चक्कर में आकर कुछ लोग तो गाइज आज से 1.5-2 साल पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है, और उस वीडियो के चक्कर में आपको नहीं पता होगा मैं कहाँ कहाँ नहीं डोला, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उस चीज को, और आखिरकार वो चीज मेरे हाथ ही लग गई। अब आप लोगों को बता दें कौन सा वीडियो था। एक वीडियो था जिसके अंदर फेक मिल्क बनाने की टेक्निक दिखाई जाती है, कुछ थोड़ा सा केमिकल लिया जाता है और उस केमिकल को पानी में जैसे ही डालते हैं तो बहुत ही डार्क यानी कि निपनिया दूध जिसको बोलते हैं ऐसा दूध बन जाता है। तो उस वीडियो को पहले आप लोगों को करके दिखाता हूं वो होता कैसे, उसके बाद बताएंगे इसका सच कि इसके पीछे क्या था और कौन सा केमिकल इसमें डाला गया था, वो पीने लायक था या नहीं था, या उस तरह का बन सकता है या नहीं बन सकता, वो सभी चीजों पर बाद में बातें करेंगे, पहले आपको दिखाते हैं इसको बनाकर। तो दोस्तों पेश है आप लोगों के सामने वो केमिकल जिससे फेक मिल्क बनाया जाता है, और मैं फिलहाल ये वीडियो डेयरी में शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल मिल्क निकालने वाले जो भी मतलब पशु होते हैं हमारे भैंस वगैरह जिनसे ओरिजिनल मिल्क निकलता है वो भी यहाँ पर है, और डेयरी में इस काम को करके देखते हैं क्योंकि ये वो चीज है जिसको देखने के बाद आप लोगों का सोशल मीडिया से विश्वास उठ जाएगा जैसे कि मेरा उठ गया था जब मेरे को ये पता चला था कि इसमें कौन सा केमिकल डाला गया था। अब आप लोगों के सामने है ये केमिकल, ये था वो केमिकल। अब इसके आपको मिल्क बना के दिखाते हैं, तो यहाँ पे इस गिलास के अंदर ये खाली गिलास है आप लोगों के सामने, तो खाली गिलास के अंदर डालते हैं पहले ये केमिकल थोड़ा सा, और इतना काफी रहेगा मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में आप लोगों को लग रहा हो कि कहीं ज्यादा मात्रा में ज्यादा में नहीं है, और इसमें नॉर्मल पानी है इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। तो आप लोग एक बार नीचे रख के मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन अच्छी तरह से आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही पानी डालें क्योंकि इसी तरह से वो वीडियो थी तो इस वजह से इसको इस तरह से बना रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे ही पानी डालते हैं तो आप लोग देखोगे ये पूरा के पूरा मिल्क बन गया है, और यहाँ पर इसके बाद उस वीडियो में दिखाया गया था इस तरह से करके, और आप लोग देखोगे बिल्कुल दूध की तरह ही है, और ऐसे हल्के हल्के झाग बन रहे हैं जैसे बिना पानी वाले दूध में बनते हैं, और बिल्कुल एक ऐसा लिक्विड है कि कोई भी इसको देखने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये दूध नहीं है, ये बिल्कुल दूध है, और हमारे दर्शक भी इस चीज को देखने के बाद बिल्कुल ही दूध बताएंगे इसको। लेकिन जब इसके पीछे का सच आप लोग जानोगे ना तो आप लोग दंग रह जाओगे और सोशल मीडिया से आपका विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि कुछ वीडियो इस तरह की होती है। हाँ उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया था लेकिन बाद में उसमें एडिट करके लिखा गया था, बार बार वॉइस ओवर दिया गया था कि भाई ये इस तरह से फेक मिल्क बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मिल्क है, और इसको आप लोगों को पीकर तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर क्या है, लेकिन आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी कि ये बिल्कुल मिल्क की तरह दिखाई दे रहा है। एक बार कैमरा मैन नीचे से दिखाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल दूध यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक बार हाथ में लेकर आपको दिखाऊंगा तो आप लोग देखोगे बिल्कुल दूध की तरह है, बिल्कुल डार्क दूध जो होता है, और इसमें और मिला के देखें तो ये और ज्यादा डार्क लिक्विड बन जाएगा इसका, वही वाला केमिकल है हमने पूरा के पूरा इसके अंदर डाल दिया तो ये और भी ज्यादा डार्क हो गया। और अब इसको हाथ पे लेकर देखते हैं तो आप लोग देखोगे मेरे हाथों में वही दूध है जिसको फेक मिल्क बताया जाता है, मतलब मिल्क बताया जाता है कि ये प्रॉपर मिल्क की तरह, और यहाँ पे जैसे जा रहा है आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा जैसे मैं इसको धरती में डाल रहा हूँ तो वहां पर भी जाता हुआ मिल्क की तरह ही दिखाई देता है, इसी तरह मिल्क दिखाई देता है जब फैल जाता है बिखर जाता है किसी कारणवश। अब आप लोगों को बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और वो सच्चाई हमने यहाँ पे रखी है। एक बार कैमरामैन को फोकस करने के लिए बोलूंगा तो मैं यहाँ के इसके पीछे से निकाल रहा हूँ सच्चाई। तो दोस्तों ये रहा आपका फेक मिल्क बनाने का फॉर्मूला जिसने मेरे को लगभग 3 और 4 महीने से मैं काफी परेशान था इस चीज को लेकर कि भाई ऐसा कौन सा केमिकल आता है जिससे इतने से थे इतना ज्यादा दूध बन जाए। तो बाद में जैसे पता चला एक तो ये है और दूसरा होता है फिनाइल जो कि आपका पोछा वगैरह लगाने के लिए मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में आता है, उसका भी कलर ऐसा ही होता है और इसका भी कलर ऐसा ही होता है, इन दोनों का काम एक ही तरह का होता है, जैसे पानी के साथ मिलते हैं तो उसको व्हाइट मिल्क की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस दूध को अगर कोई पिएगा तो उसकी सेहत बने या ना बने लेकिन अंदर की सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी, ये पक्का है।
और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम देखने के बाद विश्वास करने लगते हैं और असल में वो असलियत नहीं होती, क्योंकि सोशल मीडिया पर व्यू के चक्कर में आकर कुछ लोग ऐसे ऐसे काम कर जाते। अब इसे देख लो आप लोग, ये कहीं से पीने लायक दूध है तो इसको फेक मिल्क बता दिया कि भाई हाँ ये फेक मिल्क है। और इसमें से आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वीडियो में ना तो हम सूंघ सकते ना टेस्ट कर सकते, और यहाँ पर सूंघने से क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है इसके अंदर डिटॉल है, डिटॉल का पानी है जिसको फेक मिल्क बताया जाता था। तो ये तो दोस्तों आज का वीडियो, आप लोगों को जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि आप लोगों को जागरूक किया जाए कि सोशल मीडिया की हर किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।